मैं दुलारचंद दास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल स्टडी विद दुलार। जी हाँ बच्चों, हमारा ये चैनल आप लोगों के लिए एक हेल्पफुल चैनल है। इससे आपको मदद मिलेगी पढ़ाई करने में। आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये द्वितीय किरण का अर्थ है, पार्ट दो है, इसका नाम है अपना देश। आज हम लोग इसको पढ़ाई करेंगे। ये क्लास वन की हिंदी बुक है, हम लोग इसको पढ़ेंगे। आप ध्यान देंगे, कर्सर पे ध्यान रखेंगे, उसके साथ साथ ही मैं पढ़ूंगा। बालकों की विनती पूरी हुई, सभी अपनी अपनी कक्षा में बैठ गए। गुरुजी ने मानचित्र को दिखाया, सभी मानचित्र को देखने लगे। बालकों की विनती का अर्थ है स्कूल में जो प्रार्थना होती है उसको बोला गया है। बच्चों की प्रार्थना पूरी हुई और सभी बच्चे अपने कक्षा में आकर बैठ गए। शिक्षक जो है गुरुजी उनको बोला जा रहा है, पहले गुरुजी ही बोला जाता था इसीलिए यहाँ पे गुरुजी लिखा हुआ है। उन्होंने एक मानचित्र को दिखाया, आप देख रहे हैं ये मानचित्र यहाँ पे दिखाया गया है। इस पिक्चर में गुरुजी बच्चों को मानचित्र दिखा रहे हैं, सभी बच्चे मानचित्र को देखने लगे। फिर गुरुजी ने उन्हें समझाना शुरू किया यह मानचित्र अपने देश भारत का है, यह हमारा देश है। उत्तर में हिमालय पर्वत है, यह हमारी रक्षा करता है। यहीं शिव जी का कैलाश पर्वत है, पर्वत से ही गंगा निकलती है। तो टीचर जो है उन लोगों को मानचित्र दिखाते हुए समझाने लगे कि ये हमारे देश का मानचित्र है, यही हमारा देश है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत है जो हमारे देश का रक्षक है, और यहीं पे हिमालय पर्वत में ही भगवान शिव का कैलाश पर्वत है और वहाँ से ही गंगा नदी निकलती है। इसके आगे है, दक्षिण में सागर लहरा रहा है, इसका नाम भारत महासागर है। यही लंका नामक टापू है। पूरब में बर्मा नामक देश है एवं बंगाल की खाड़ी है, यही गंगा सागर है। हमारे देश के दक्षिण में सागर लहरा रहा है, बतला रहा है कि दक्षिण में सागर लहराता है, उसका नाम भारत महासागर है। इसको हम लोग हिंद महासागर के नाम से भी जानते हैं। और ठीक वहीं पे लंका नाम का टापू है जो आज के समय में श्रीलंका के नाम से जाना जाता है। पूरब में वर्मा नाम का एक देश है और वहाँ पे बंगाल की खाड़ी है और यहीं पे गंगा सागर भी है। पश्चिम में पाकिस्तान है, पहले यह भारत का ही अंग था, अंग्रेजों ने इसे अलग कर दिया, हम लोग बहुत दुखी हुए। भारत के पश्चिम में जो देश है उसका नाम पाकिस्तान है, पहले यह भारत ही था लेकिन अंग्रेजों ने इसको अलग कर दिया, जिसके वजह से हम लोग काफ़ी दुखी हुए। भारत के नाम पर यह भारत कहलाता है, भारत बहुत बड़े वीर थे, यह वीरों का देश है, यह साधु संतों का देश है, यहाँ राम कृष्ण महावीर गौतम गोरखनाथ कबीरदास तुलसीदास नानक देव ऋषि दयानंद विवेकानंद महात्मा गांधी और डॉक्टर हेडगेवार जैसे महापुरुषों के जन्म हुए। हमारे देश का नाम राजा भरत के नाम पे भारत रखा गया है, वे बहुत ही वीर राजा थे। हमारा देश जो है वीरों का देश है, यहाँ ये साधु संतों का देश है, यहाँ पे बहुत सारे साधु संत पुराने ज़माने से रह रहे हैं। यहाँ पे श्री राम कृष्ण महावीर जैन गौतम बुद्ध गोरखनाथ जितने भी नाम दिए हुए हैं इन सभी का, इन महापुरुषों का जन्म हुआ। ये सभी महान व्यक्ति थे, इनके बारे में हम लोग अक्सर सुनते हैं। भारत माता हम सबकी माँ है, हम इनकी संतान हैं, हम माँ के चरणों में झुकते हैं।
भारत माता को हम लोग अपनी माँ समझते हैं, हम लोग इनके बच्चे हैं और हमेशा इन्हें प्रणाम करते हैं, इनके आगे हम अपना शीश झुकाते हैं। शब्दार्थ आप देख रहे होंगे, विनती, झुककर निवेदन करना। इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। नंबर वन में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो आइए मैं आप लोगों को इसका आंसर बना के दिखाता हूँ। कक्षा वन विषय हिंदी पाठ दो, इसका क्वेश्चन आंसर है, हमारे देश का नाम क्या है? हमारे देश का नाम भारत है। किसके नाम पर अपने देश भारत का नामकरण हुआ है? राजा भरत के नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा। भारत के उत्तर में क्या है? भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। भारत के दक्षिण में क्या है? भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। चैप्टर में भारत महासागर लिखा हुआ है, हिंद महासागर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है। हमारे देश को किसने बांट दिया? हमारे देश को अंग्रेजों ने बांट दिया। हमारे देश में कौन कौन महापुरुष हुए? हमारे देश में राम, कृष्ण, महावीर, गौतम, कबीरदास, तुलसीदास, विवेकानंद, महात्मा गांधी इत्यादि महापुरुष हुए। इसके आगे हम लोग देखेंगे। और दो नंबर में सही या गलत का निशान लगाने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे जिन बच्चों से मुझे ये बुक मिली है वे लोग पहले से ही इसमें टिक लगा के रखे हैं या स्कूल में लगवा दिया गया है। आप इस पे विशेष ध्यान नहीं देंगे, ये गलत भी हो सकता है। इसी वजह से मैंने यहाँ बगल में बना दिया है इसको, आप इस पे ध्यान रखेंगे। गुरु जी ने मानचित्र दिखाया, सही है। यह मानचित्र विश्व का है, नहीं, ये गलत है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत नहीं है, ये भी गलत है। भारत के पूर्व में पाकिस्तान है, ये भी गलत है। और भारत के पश्चिम में वर्मा नामक देश है, ये भी गलत है। ये सभी गलत है, सिर्फ और सिर्फ क नंबर का सही है। तीन नंबर में खाली जगहों को भरें, यहाँ खाली जगहों को भरने के लिए बताया गया है। तो यहाँ पे पहले से बच्चे लोग भर के रखे हैं, फिर भी हम यहाँ पे बतला दिए हैं, आप लोगों को भर के दिखाए हैं। दक्षिण में सागर लहरा रहा है, पर्वत से ही गंगा निकलती है। पाठ में वहाँ पे लिखा हुआ है पर्वत से ही गंगा निकलती है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं पर्वत से गंगा निकलती है। भरत के नाम पर यह भारत कहलाया, यहाँ पे मैंने भारत लिख दिया है, अगर यहाँ समझना है तो यहाँ से देख सकते हैं। चार नंबर है पढ़ें और याद करें, इसको पढ़ना है आप लोगों को और याद कर लेना है। चित्र, सागर, नदी, देश, संतान, इन शब्दों को इसलिए दिया जाता है ताकि आप लोग यह देख सकें कि इसमें कौन सी मात्रा कहाँ पे लगती है और इसकी जानकारी आप लोगों को बनी रहे, याद रहे, आप लोगों को हिंदी लिखने में समस्या ना हो। इसके आगे हम लोग दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।